सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सुंदर से छोटे से धुई गांव से। और ये देखिए, जैसे ही मुझे प्राची ने देखा, प्राची भी दौड़ दौड़ के आ गई। बढ़िया। और इस समय मेरी तैयारी है स्कूल की, और मेरे साथ में अभी मेरी छोटी सी देखो स्टूडेंट है। स्कूल हम चलो, हाँ स्कूल में, वो बोले स्कूल में चलो, तो स्कूल में ही तो जा रहे हैं। रुको रुको, नीचे मत गिर जाना। और कहाँ पे करना? हाँ। और हाँ। और हाँ। बस मुंडम मुंडम बाद में। और इसको देखो, ये तो बहुत नखराली है, नखरेली है, नखरेबाज है ये बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, अभी गोदी बोल रही है, तो यहाँ से कैसे ले जाऊँगी तुझे गोदी में? थकान लगेगी मैडम जी को। और अभी ये 2.5 साल की है देखो, और स्कूल के लिए एकदम तैयार हो जाती है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाथ थोड़ा गंदी बात चीज ने देखी करो। नमस्ते, ठीक हो? आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है दाल भात। दाल भात? और कल राई का साग बना था शायद। ठीक, चलो कद्दू की सब्जी। हाँ कद्दू की सब्जी, बढ़िया। तो चलते हम ना, इधर आओ। वाह वाह वाह, अरे इसको इधर भेजो। तो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और हमारी तैयारी है फिर से कोटरीसैंड जाने की। और भाई भैया भाभी आए थे, उनके लिए थोड़ा सब्जी ले जाते हैं, क्योंकि उनको जाना है कल देहरादून। और हमने सब्जी का कट्टा तैयार कर रखा है यहाँ पे, ये देखिए। और ये जो आ रहे थे कुछ पीछे से दो लेडीज, तो वो बच्चों को लेने के लिए गाड़ी खुल जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो इनको रोज़ जाना पड़ता है ऐसे ही, और भेजने के लिए भी बच्चों को और लेने के लिए भी बच्चों को। जय श्री राम। वो देखिए राम मंदिर। और दोस्तों यहाँ पे हमारा पुडेरा पानी में राम मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है देखो। हर स्कूल से गाड़ी पुल स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो भी पहुंच गए हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते, आ गए। हेलो हेलो। और ये बच्चे हमारे जी के। और ये देखिए, अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। और फिर से मैं अपने मायके के खेत में आ गई हूँ। और यहाँ देखिए, पूरी धानों की लवाई हो चुकी है अब, और सारे खेतों में है पराली ही पराली। और इनकी मंडाई अभी बाकी है, तो रह रखे हैं खाले। और ये देखिए, ये सब पराल है, पराली। और ये गाय बच्चे खाते हैं इसको। और यहाँ पूरे खेतों में धान ही धान थे। और यहाँ भी हमारा खेत है, ये नीचे वाले खेत। और यहाँ पे देखिए कितने सारे गाय बच्चे यहाँ रखे हैं चुगने के लिए। और इस तरह से सारी खाली हो जाती है, तो सब अपने गाय बच्चे को छोड़ देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारी बुआरी और भाभी जी पराली बांध रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये पराली और गेट बना रखा है यहाँ से, ये देखिए। तो ऊपर वाले खेत पे भी गेट बना रखा है, और इस तरह से ये पूरा तार वार लगा रखा है, ये देखिए किस तरह से मेरे पिताजी ने, देखो किस तरह से बना रखा है ये पूरा। और ये देखिए पराली बांध दी है, कुसुम ने बांध दिया है पराली, और पराली का पुल। नमस्ते। और ठीक ठाक? हाँ तुम ठीक छो? हाँ। ये देखिए, और इन्होंने फटाफट से सारे धानों की लवाई कर दी है। और भाभी ने भी, भाभी जी की तैयारी हो गई है देहरादून जाने की। और इस तरह से बांधते हैं पराली, ये देखो इस तरह से उठाना है इसे। और यहाँ पे सुमन और पिताजी लगा रहे हैं पराली, और इसको बोलते हैं सूल हमारे पहाड़ में। इसी तरह से लगाया जाएगा, और यहाँ पे 2 सोले लगेंगे।
और ये देखो कितना सारा पराली है। इसी तरह से पराली लगाएंगे, देखिए। और ये पराली चलेगी एक साल तक, जब तक दोबारा धान की मंडाई कटाई नहीं होगी। और किसी को लेना है तो ही खरीदार मिल जाएंगे तो पराली बेच भी देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है पराली। हाँ, हमारी जाने की तैयारी और मेरा बैग भी तैयार। बाय। बकरी, और ये देखिए बकरी चुगने के लिए आ रखी है यहाँ बहुत सारी बकरियाँ। जय ढोटियाल महादेव। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शाम का नज़ारा इस तरह से ये देखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।